नमस्कार साथियों, आज मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की पिट्ठू दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी की सब हदें पार कर गई। आज जो 75 वर्षों में नहीं हुआ वो मोदी सरकार की पिट्ठू पुलिस ने भाजपा के इशारे से किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय में दरवाजे तोड़कर अंदर घुसना और अंदर घुसकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीटना, ये दर्शाता है कि अब हमारे देश में प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है। संविधान को बुलडोजर के नीचे रोन दिया गया है और केवल कुशासन और अत्याचार का ही शासन बचा है। पर इसे चेतावनी माने दिल्ली पुलिस भी और भाजपाई कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। किस हैसियत से दिल्ली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के अंदर हमला बोला? कैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीट सकते हैं? फिर तो इस देश में हर घर में जहां मां बहन बेटी भाई पिता है, दरवाजा तोड़ेगी दिल्ली पुलिस, अंदर जाएगी और पीटेगी और कहेगी आप घर में 5 लोग क्यों बैठे हैं? इसका जवाब और हिसाब दोनों मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा। हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लें। हम गांधीवादी जरूर हैं, हम अहिंसक जरूर हैं, पर इसका हिसाब लिया जाएगा। और वो सारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो कठपुतली बनकर मोदी सरकार की चापलूसी में लगे हैं, तलवे चाटने में लगे हैं, वो ये भी जान लें कि एक एक अधिकारी का जो कानून और संविधान की हत्या कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, उसका हिसाब भी होगा। हम कड़े से कड़े शब्दों में मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के इस कुकृत्य की भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि उन सब पुलिस अधिकारियों पर FIR दर्ज कर उन्हें सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठे। इस कुकृत्य के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि आज पूरे देश में 4 बजे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण या कांग्रेस विधायक दलों के नेतागण जो भी उपलब्ध होगा, आज तो वो इसकी भर्त्सना करेंगे ही। कल पूरे देश के अंदर राजभवनों का घेराव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार के इशारे पर ये हो रहा है और राजभवन जो है वो मोदी सरकार का प्रतिबिंब है। 17 तारीख को एक दिन छोड़कर कल के बाद हर जिला मुख्यालय पर भी जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से महंगाई के खिलाफ आवाज ना उठे उसे दबाया जा रहा है। 31 साल के में सबसे अधिक पायदान पर महंगाई है। बेरोजगारी के खिलाफ उठने वाली राहुल जी की आवाज को दबाया जा रहा है। किसान के हक में उठने वाली राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है। शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के हक में उठने वाली राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है। और अब कांग्रेस के मुख्यालय पर भी हमला बोला जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत कल हर गवर्नर हाउस का घेराव होगा और परसों हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करेंगे। जान ले मोदी जी, प्रजातंत्र की अवहेलना करने वालों की खैर नहीं। अहंकार रावण का भी टूटा, अहंकार कंस का भी टूटा, अहंकार दुर्योधन का भी टूटा, अहंकार आज की सत्ता के सिंहासन पर बैठे मदमस्त लोगों का भी टूटेगा। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, इन एन एक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुंडाइज्म परपेचुएटेड बाय दिल्ली पुलिस एट द इंस्टेंस ऑफ मोदी गवर्नमेंट, द दिल्ली पुलिस टुडे फोर्सिबली एंटर्ड द नेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दिल्ली, बीट अप वर्कर्स एंड लीडर्स। दिस इज पेटेंटली क्रिमिनल ट्रेसपास। द गुंडाइज्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट एंड दिल्ली पुलिस हैज रीच्ड इट्स जेनिथ। वी आर प्रोटेस्टिंग पीसफुली इन ए गांधियन वे,
But this Gundaism is unacceptable. It will not be tolerated. It will be accounted for. Let all the police officers who are acting as puppets of Modi government in order to please their masters know that this will not left, this will not go unpunished. We will remember, and the suitable action, both civil and criminal, will be taken. We demand that an FIR be lodged against all police officers of Delhi police who have committed a criminal trespass by forcibly entering the headquarters of Indian National Congress. We also demand their suspension and initiation of a disciplinary inquiry against them. In order to protest against the same, today all our CLP and PCC leaders will be holding press conferences in the evening. But tomorrow, Indian National Congress has decided to gherao all Raj Bhavans across India to protest against not only the criminal trespass into the headquarters of Indian National Congress, but the designed deception and suppression of voice of Shri Rahul Gandhi and Congress Party, who continue to champion the voice for the unemployed, the demand to control inflation and price rise, the voice of the farmers, the voice of the downtrodden, the SC, ST, OBC minorities. These voices cannot be suppressed by ED, by a puppet ED acting at the instance of Modi government. And we challenge the Prime Minister, as also the Home Minister. Let all these television cameras be present in the ED office where Shri Rahul Gandhi is present. And let Prime Minister, as also Home Minister Amit Shah, also sit along with ED and question Shri Rahul Gandhi. Let the nation know that Bharatiya Janata Party only has fake and false propaganda and don't have a single question to ask of Shri Rahul Gandhi. What will they ask? Why did you revive the symbol of the National Freedom Movement, the National Herald and Navjeevan newspapers? Yes, we revived. What will they ask? Why did you pay 67 crore rupees in salary as also VRS of employees and journalists of National Herald? Yes, we did. Why did you pay government dues? Why did you pay electricity dues? Why did you pay other government charges? Yes, we deposited those. Because National Herald, Qaumi Awaz, Navjeevan are symbols of our freedom movement, and Constitution of India says it is imperative to preserve the voice of freedom movement. We have honored our constitutional obligation by reviving National Herald, Qaumi Awaz and Navjeevan, and we own it up. What are these questions to be asked? So we challenge you, Mr. Prime Minister, and we challenge you, Bharatiya Janata Party. Send all these television cameras in, and you also come and ask all questions. We are ready to answer. Sir, कांग्रेस पार्टी का कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है, ये साफ बताता है कि गांधी के दौर से आते आते सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कांग्रेस बहुत बोनी हो चुकी है। केवल शब्दों के जाल में बिछाकर आप सच्चाई को नहीं छुपा सकते। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ये बताए, क्या ये सच नहीं कि साल 2015 में इस पूरे मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने, जो मोदी सरकार के तहत तब भी था, उन्होंने पाया कि कोई अपराध ही नहीं और पूरा मामला बंद कर दिया। तो 8 साल के बाद ये कैसे जिंदा हुआ, क्यों हुआ, किस दुर्भावना से हुआ, किस मंशा से हुआ? दूसरी बात, यह अखबार स्वतंत्रता संग्राम का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अखबार है, स्वतंत्रता संग्राम की आवाज है। तो सुन लो भाजपा वालों, स्वतंत्रता संग्राम का हमारा अखबार, हमारी पार्टी, हमारा पैसा आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? यह कैसा अपराध है? तो कोई अपराध हो तो कोई जांच हो, यहां तो कोई अपराध ही नहीं। सर, शेख हुसैन है, नागपुर के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे किसी कुत्ते की मौत होती है सड़क पर, वैसे नरेंद्र मोदी की मौत होती है। हम इस तरह की बयानबाजी ठीक है? ऐसा काश इंडिया टीवी
जब गंदी गालियां प्रधानमंत्री देते हैं कांग्रेस नेतृत्व को, उसको भी इसी तर्ज पर उठाते। मैं खंडन करता हूं, कांग्रेस के अगर किसी कार्यकर्ता ने ये कहा तो ये तो हम इसको सिरे से नकारते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनका उनका द्वेष हो सकता है कांग्रेस पार्टी से, वो बदले की आग में धधक रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, पर हम उनका सम्मान करेंगे विनम्रता से और सादर से। और मैं सबको कहूंगा, प्रधानमंत्री जी के सम्मान में कोई बात कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना कहे जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। पर काश जब वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री कहते हैं तो इंडिया टीवी को उनसे भी सवाल पूछना चाहिए। सर, बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस के सीएम जो है वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं, उनके राज्यों को कौन देख रहा होगा? आदरणीय मित्र, ये एक होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सत्य की लड़ाई कठिन है, सत्य का मार्ग दुर्गम है, सत्य का मार्ग हमेशा कांटों से भरा है, परंतु ये जान लें कि सत्य को कोई पराजित कर नहीं पाया। यही महात्मा गांधी ने इस देश को सिखाया था। काश गुजरात से आने वाले दो व्यक्ति उस पोरबंदर के लाल महात्मा गांधी की बात को समझ सकते। भी आप इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस उधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उससे जो सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ऑफिस के अंदर दिल्ली पुलिस के पुलिस वाले दाखिल हुए, तो उनका कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम तो बाकायदा जितने भी वहां पर मुख्यमंत्री हैं या सांसद हैं सबको प्रॉपर सम्मान दे रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वो जहां तक जाना चाह रहे हैं। आपके चैनल ने कल दिखाया कि देश की एक महिला सांसद को किस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने चार हाथ और टांग से सड़क पर घसीटकर लाते और घूसे मारकर सम्मान किया था। काश दिल्ली पुलिस के अगर किसी अधिकारी का कोई ऐसे सम्मान करता तो वो क्या कहते। आपने ये देखा कि कांग्रेस के संगठन महासचिव और सांसद श्री केसी वेणुगोपाल पर किस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने जानलेवा हमला बोला था। आप सबने ये देखा कि 10 साल तक कांग्रेस के यूपी की विधानसभा में नेता रहे और आज सांसद प्रमोद तिवाड़ी जी को, जिनकी उम्र भी 70 वर्ष है, दिल्ली पुलिस के लोगों ने धक्का देकर उनका सर सड़क पर मारा और उनकी पसलियां तोड़ी। पूरे देश ने देखा कि कैसे कांग्रेस कार्यालय के बाहर देश के पूर्व गृह मंत्री श्री पी चिदंबरम की को धक्के मारे, उनका चश्मा गिरा, उनकी पसलियां तोड़ी गई। हम सबने देखा कि कल किस प्रकार से श्री अनिल भारद्वाज, उनका जबाड़ा तोड़ दिया गया जो कई बार के दिल्ली के विधायक और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। आज भी हम सबने देखा कि दिल्ली पुलिस महिलाओं को सड़कों पर घसीटकर लात और घूसे मारकर कैसा सम्मान दे रही थी। अगर ये सम्मान है तो माफ कीजिए, फिर संस्कार और संस्कृति की नई परिभाषा इस देश में गढ़ने की जरूरत है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो आप, ये जो इस प्रकार की बातें करने वाले दिल्ली पुलिस के लोग हैं, क्योंकि उन्हें अपना अत्याचार नजर नहीं आता। और ये जो हुआ वाकया, ये तो आपके टेलीविजन कैमरा के सामने हुआ, इसके चश्मदीद गवाह तो आप सब हैं। ये देख भी लीजिए उनकी झूठ यही, और आपके हर टेलीविजन कैमरा के साथी पत्रकार साथी वहां मौजूद थे, उन सब ने ये देखा। हमने तो आप ही के टेलीविजन कैमरा से ये लिया, कितनी और झूठ बोलेंगे। लगता है कि उन्हें भी जुमलों की आदत पड़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।